पिरामिड का प्रोजेक्ट है। मतलब इधर जो आप कह रहे थे 3 साल से वही बात अब आगे चलेगी कि भाई टुकड़े टुकड़े में आप नमस्कार कीजिए, 5 बार एक बार देखिए तो उसको फिर गिनती माला पर बैठाएंगे। मान लीजिए कोई 11 बार की है तो सांस पर गिनती करनी है ना माला पर गिनती करनी है, दोनों की गिनती तो फिक्स है जी। तो माला एक करेंगे ना 24 घंटे में 21,612 की सांस चलती है 187 गिना हुआ 108 की माला तो पहले ही से गिन के आप बूथ के बनाए 108 गिनना कहाँ है। माला पर नमः शिवाय करिए, एक दाना पड़ा तो ऑटोमेटिक एक पर गया। नमः शिवाय के लिए अनुक्रम बना हुआ है, वो मंत्रों के लिए अनुक्रम। एक माला जो करेंगे तो फिर वही शिष्य अनुभूति वाला फॉलो होगा कि आप कर माला करते हैं या रुद्राक्ष करते हैं तब वही फॉलो होगा ना। तब वो सांस वाला हिसाब किताब तो लोग जैसे समझता है कि 108 बार सांस ले लिए, नमक ले लिए, सिवाय छोड़ लिए हो गया। गिनती होगी न सांस पर गिनती। अगर अंगुली पर भी कर रहे हैं आप उसकी गिनती नहीं होगी, वो तो फिक्स है ऑलरेडी, तो उसे गिनते पहुंचे। वो तो है कि नमः शिवाय का अनुक्रम करने के लिए उसको बनाया गया है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। गिनना का न सांस पर नमः शिवाय को गिनना है, न माला पर गिनना है, नमः शिवाय करते जाइए एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। तो माला पर एक बार कर लेंगे या जब करें, माला करना है तो एक ही माला अलाउड है आपको, तो बिस्तर पर करिए, जहां मन करिए, एक ही माला 24 घंटे में एक ही माला अलाउड। और दिन में मान लीजिए कोई श्वास पर श्वास कर रहा है तो उसकी काउंट वो चलेगा, काउंटिंग दोनों में किसी का नहीं होना है, ऑलरेडी काउंटेड है तो जी पागल है क्या भाई साहब आप, ऑलरेडी गिना हुआ है 108 गिनती कौन सी हो रही है, मंत्रों को चलाने के लिए बना हुआ है वो जी। मान लिया जाए कि एक माला कर लिए रुद्राक्ष पर, एक कर माला कर लिए सुबह में ही कर लिए, तो दिन में नमः शिवाय श्वास पर चढ़ेगा, लोग चढ़ा सकते हैं, स्वतंत्र है। रात में, दिन में, घर में, उसके अलावा भी एक माला के अलावा वही मतलब ये जानना चाह रहे थे। सामान्य गति ये महत्वपूर्ण, नॉर्मल ब्रीदिंग में जाएगा नमः शिवाय, जो सांस की सामान्य चाल है उसके साथ चलिए। घटाइए ना जी, करेंगे ना कि बढ़ा लेते। हाँ यही चल रहा है, हमको भी जानकारी नहीं थी, बाद में हमको लोग ट्विटर साहब के सुनाया तब पता चला। किताब में लिखा हुआ सामान्य गति, नहीं नहीं मतलब ये 11 मिनट वाला उसी में लिखा हुआ सांस की सामान्य। तो कुछ नहीं कर रहा था, 11 मिनट तो नमः शिवाय करो यार, कुछ कर ही नहीं रहा। तो मान लिया जाए कि कोई एक माला नमः शिवाय करता है या हम ही करते हैं, कोई भी करता है, इसके अलावा सांस पर अजबाजब से नमः शिवाय अगर कर रहे हैं इसके फायदे। पहले एक गणित तो समझ लो, आध्यात्म व्यापार नहीं जी, ये विधा ही है दिमाग से दिल पर जाना, और अरबों रुपया लोग अपने प्रेम में छूट देते हैं कोई हिसाब नहीं। फायदा तभी होगा जब शिव को आप गुरु मानिएगा, वैसे इसका फायदा है, जैसे नमः शिवाय शिव को पढ़ा हरिनाम भी एक मंत्र नाम है, तो मंत्र हरेक देवता का एक नाम होता है, हरेक नाम मंत्र का एक देवता होता है, हरिनाम भी एक मंत्र, लवली भी एक मंत्र है, रणधीर भी एक मंत्र है, मंडली भी एक मंत्र है, किसी सत्ता का नाम है तो मंत्र सत्ताओं का नाम है, उससे भाव सत्ताएं जुड़ी रहती वो अच्छी होंगी। हमारे नाम पर तुम्हारे पास या किसी के पास हम हरिनाथ जी के साथ है, वो हमको उतना डिटेल नहीं जानता, देहात की महिलाएं पैसा भी ठगा, जीवन भी ठगा, चल मेरे नाम पर ठग रहा है, हम उसको जानता, वो हमको जानता है ना, हम उसको जानते हैं, ठग रहा जी। मेरे नाम पर जितना उसको मिला है उससे ज्यादा डिमांड अगर होगा तब वो आदमी हमसे संपर्क करना चाहेगा कि अब सर 5,000 मांग रहा है,
ये कौन आदमी है सर? तो नमः शिवाय करके आप ये धरती का बहुत काम निकाल लीजिए। कहे कि आपका डिमांड कितना, आदमी का डिमांड कितना होता है, शिव को तो मानता है, धरती मानता है, तो नमः शिवाय इसको निकाल देगा। लेकिन धरती पर भी कुछ चीजें हैं जहां अभी नहीं निकालेगा। अब तबे आप निकालिएगा कि नमः शिवाय के देवता से आपका संपर्क या गुरु से संपर्क, दोनों अभी नहीं, तब निकाल। काम है कितना? दोनों के अलग अलग, कोई शिव से नमः शिवाय कर रहा है और कोई शिव से नहीं है वो नमः शिवाय कर रहा है, दोनों का अलग अलग पैरामीटर रहेगा, अलग अलग फायदा रहेगा या एक ही दिशा में फायदा है? यही जान लीजिए कि नमः शिवाय मंत्र है और इसमें चैतन्य गुरु देते हैं। नमः शिवाय के देवता शिव है, जो शिव से अभिन्न होगा वही नमः शिवाय देने का अधिकारी। हाँ, कोई शिवशि से कर रहा है, कोई शिवशि से नहीं है, कोई राम का भक्त है या कोई कृष्ण का, कोई वैष्णव है, ऐसा उसको भी होगा, लेकिन उस डिग्री पर, डिग्री चेंज हो जाएगी। कोई आपका नाम जानता है, कोई आपसे ऐसे ही लगाव है किसी को, तो दोनों के हाँ लेवल में ही फर्क आ जाएगा हर तरह के। जो आप जो हमसे जुड़ा हुआ है वो जानता है, छोटा छोटा बात कहेंगे तो बहुत जोर से बिगड़ेंगे, उन्हें कहे वही बात तो हमको कहेगा जब पूछता है कि हमारा कोई चारा नहीं चाहिए। तो जो उनको लोगों को महादेव से संपर्क है, उनको भी संपर्क है, वो छोटी छोटी बातों में कह ही नहीं सकते, लेकिन नमः शिवाय कर दे उनको तो बड़ी ही बात कही जाएगी ना। जैसे कोई शिव से तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से नमः शिवाय करे, एक माला करे, या अनिवार्य है एक माला शिव से के लिए? शिव से के लिए तो माला ही अनिवार्य नहीं है, वो तो कहता है कि सांस पर प्रणाम करिए, आप तीन सूत्र करिए, शिव से के लिए माला उतराइए नहीं है। शिष्य ने वो तो क्लियर कर रही है, जो शिव के शिष्य है वो क्या करे, वो क्लियर कर दे रही, उसके तो माला उतरा जाए, वो माला करवा करे, उसकी जरूरत क्या। लेकिन क्या आप शिव के शिष्य हैं? क्या आपके आचरण में शिव शिष्यता दिख रही है? क्या ये विचार आपके दिमाग से दिल में उतरा है? क्या शिव को अपना समझते हैं आप? शिव शिष्य की जो व्याख्या होगी उसमें जाइए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब शिव के शिष्य जो है तो एक तरफ कहा जा रहा है कि आप एक माला कीजिए नमः शिवाय 108 बार नमः शिवाय करिए, एक तरफ मतलब कहा जा रहा है कि जो शिव के शिष्य, तो ये पैरामीटर तो बहुत कठिन है ना कि कौन शिव का शिष्य है या नहीं है या उस दिशा में चल रहा है। ये भैया तो इसीलिए कहा जा रहा है दोनों करिए, आप एक माला नमः शिवाय में आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, वो भी बहुत है, 20 मिनट भी नहीं लगता, 20 मिनट मंत्रानुक्रम से भाव प्रणाम कीजिए, आपके पास 20 मिनट नहीं। एक गुरु भाई है मेरा जो यही बैठा हुआ है, वो लैट्रिन में आधा घंटा बैठता है, तो 30 मिनट तो वही हो गया, 20 मिनट नहीं मिला जी। कटहल मोड़ में एक आदमी है, एक घंटा लैट्रिन में रहता है, आपको एक 20 मिनट नहीं मिला सर, 7 मिनट तो मिला। इसीलिए कहा जा रहा आप दोनों करिए, क्या हार जाए जी। एक दार्शनिक ने कहा था कि भगवान नहीं है कि भगवान है, कहा इसका प्रमाण तोड़ दो, मनी रुको तुम रखा घट जाओ, अगर होगा तो कुछ फायदे हो जाते है कि नहीं, इसका प्रमाण काले पड़े दो, इसे तुम घाटा क्या हो रहा है, कुछ फायदे हो जाएगा भैया। तो एक माला करने में आपको दिक्कत है, सीधे शिव के शिष्य को नहीं करना, लेकिन रोग थोड़ी है, तो प्रणाम करने की विधा है, नहीं कर सकते, दिस ऑल राइट।
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप सांस पर भी आप नहीं कर रहे हैं, अजवा जब के माध्यम से भी आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने गुरु को प्रणाम ही करना भूल गए, दूसरों को गुरु चर्चा सुनाते हैं इसलिए कि सम्मान मिले, सुविधा मिले, ऐश्वर्य मिले, सब मिले आपको, आपकी दिशा बदल गई है ना, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको लोगों को शिव से जोड़ना था, उस गुरु सत्ता से जोड़ना था जो विष्णु गुरु है, जोड़ना था, आप अपने से जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं? इसीलिए कि आपका नमस्कार छूट गया है, आप अपने गुरु को प्रणाम तक नहीं करते। आपको महादेव अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगी तो लगे नहीं लगेगा तो लोगों को महादेव से जोड़िएगा, आपको धरती अच्छी लग रही है अभी भी, इसीलिए हमने कहा कि नमः शिवाय पर थोड़ा ध्यान दीजिए करिए। ठीक है, 11 मिनट का बार हटा दीजिए, बंधन हटा दीजिए, लेकिन नमः शिवाय करिएगा ना भाई साहब, जब मन करे तब करिए, एक ही बार करिए, फिर करिएगा, फिर करिएगा, फिर करिएगा, फिर करिएगा, गिनती न माला की होगी न सांस की होगी, तो गिना हुआ तो गिनिए, गिन गिन कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूं, अगर आप समझते हैं कि शिव के लिए मेरे दिल में दर्द है, चिंता है, परवाह है, आपको नम माला पर करने की आवश्यकता है। तो जो इस बात को समझ जाए या जिसका आचरण वैसा दिखेगा, व्यवहार वैसा दिखेगा कि वो सही मायने में शिव का शिष्य, अपने दिल से जानिए, अपने दिल से जानिए कि महादेव आपको कैसा लगता है, महादेव के लोग कैसे लगते हैं, महादेव से जुड़ी चीजें कैसी लगती हैं आपको, आप बता सकते हैं, खुद ही जान सकते हैं। इसकी लालच छोड़ो, कितना नहीं कर दिया, आप गुरु भाइयों को लूटते हैं, अपने पद से संचय करते हैं, बचाते हैं, उनको लूटते हैं, स्पर्श देखने वाला कहेगा इसी चीज नहीं है, तो ये कोई आवश्यक है कि जो एक माला करे वो शिव का शिष्य हो ही या हो ही जाएगा? होगा ही नहीं, गजबाल है, आप कह रही कि सीढ़ी पर उसको पकड़ दिया, सीढ़ी को बैठा हुआ है सीढ़ी पर, वो छत पर जाएगा क्या? अरे ये सब साधन है जी, नमः शिवाय का सहारा लेते हैं, वेयर इज द मेन थिंग, शिव मेन मुख्य बात कहाँ है? तीन सूत्र सहायक है, अरे मुख्य क्या है भाई? गुरु है, बैसाखी जो आप उठाए हुए हैं, आप चलने का सहारा ले रहे हैं क्योंकि आपके पांव हो गए हैं कमजोर, नहीं चल पा रहे, आप लाठी लिए हुए, लेकिन याद रखिएगा लाठियां अगर चलने के निमित्त ली जाए उसका तरीका है, अन्यथा लाठी बोझा हो जाएगी, भारी बना देगा तुम, लाठी कंधे पर लेकर चलना आसान नहीं है, भारी लाठी, लेकिन उसके सहारे आप चल रहे, ये सीढ़ियां है छत तक जाने के लिए, ये साधन है साधु तक पहुंचने के, अब सीढ़ियां पकड़ेंगे कुछ ना कुछ, सीढ़ी का डंटवा निकाल लेता है, अगुली डंटा खेल रहा है, हाँ हाँ, एक चर्चा कर, तीन को सीढ़ियां है उसमें, तीन को लेटर है, देख मंगना चर्चा करना नमः शिवाय, ये तीन को है जी, एक निकाली इस चर्चा कर, हाँ सीढ़ी में से चर्चा कर, होके जा रहा है फील्ड में, 2-3 लाख आदमी जीता हुआ है, होके जा रहा है, होके जा रहा है, होके जा रहा है, का है उसको बिल्डिंग चाहिए अपनी, उसको गाड़ी चाहिए, उसको सुविधाएं चाहिए, उसको ऐश्वर्य चाहिए, होके जा रहा है,
अब कहेगा शिव को उपलब्ध होगा क्या, ये तो चर्चा बहुत करता है, हम नरक को जाएगा उसी से कहां उपलब्ध होगा, अगर नरक होता होगा तो हम बने सारा कुत्ता है शिव से कैसे हो गया। अरे सीढ़ियां बनी थी शिव तक जाने के लिए, क्या आप शिव के शिष्य होना चाहते हैं, क्या शिव से जुड़ना चाहते हैं आप शिष्य के रूप में, तब नहीं साधन काम करेंगे, जुड़ना ही नहीं चाहते तो तीन शिष्य क्या करेगा आपका, ये तो सहारा दे रहा है, मुख्य बात तो ये है नहीं, आपका मन शिव की ओर नहीं जा रहा इसीलिए आप मदद ले रहे हैं। क्या शिष्य अनुभूति क्लियर करती है, केवल अस्थायी शिष्य भाव अनिवार्य है, पूरी शिष्य अनुभूति में एक ही जगह अनिवार्य शब्द का प्रयोग हुआ, एक ही जगह बस ही, और सब जगह आवश्यक है अपेक्षित है यही सब शब्द का प्रयोग, केवल साफ कहती है केवल अस्थायी शिष्य भाव अनिवार्य, इतना ही कहती है, ना उत्तीर्ण सूत्र के बारे में बोलती है ना कुछ बोलती है, ना नमस्वय के बारे में बोलती है, केवल 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 का मान केवल होता है, केवल अस्थायी शिष्य भाव, अस्थायी शिष्य भाव तो साला अस्थायी पति भाव नहीं रह रहा है, अस्थायी पुत्र पिता भाव नहीं रह रहा है, अस्थायी माँ का भाव नहीं रह रहा है, बूढ़ी होने पर माँ बेचारी भूखे मर रही है और बेटा बंगलोर में डांस कर रहा है, ये भाव नहीं रह रहा, इसीलिए कहा सहारा लो, किसी चीज की जरूरत नहीं, नवा शिवा की जरूरत नहीं, कहीं पांव ठीक है तो भी लाठी को क्यों लेगा सहारा क्यों लेगा, हमारा मन अपाहिज है इसीलिए इसको भूल जाता है।